प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों को लेकर आई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस को दक्षिण भारत के केरल में बड़ा झटका लग गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल एके एंटनी ने कांग्रेस में सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि अनिल एंटनी ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार के रुख का समर्थन किया था, लेकिन अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बुधवार को कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। बीबीसी की ओर से पीएम मोदी और 2002 के गुजरात दंगों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का विरोध करने के एक दिन बाद ही उन्होंने ये फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि अनिल ने ट्विटर पर कहा है कि मैंने कांग्रेस से अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुझ पर एक ट्वीट को वापस लेने के असहिष्णुता से दबाव बनाया जा रहा है, वो भी उनकी तरफ से जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खड़े होने की बात करते हैं, मैंने मना कर दिया। अनिल एंटनी ने मंगलवार को कहा था कि ब्रिटिश प्रसारक बीबीसी के विचारों को भारतीय संस्थानों पर तरजीह देना देश की संप्रभुता को कमजोर करेगा। अनिल एंटनी का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब केरल कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिहाबुद्दीन करियात ने कहा है कि गणतंत्र दिवस पर पार्टी के जिला मुख्यालयों में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जाएगी। अनिल एंटनी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि ब्रिटेन के पूर्व विदेश सचिव जैक स्ट्रॉ के विचारों को जो लोग समर्थन करते हैं वो भारतीय संस्थानों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं, क्योंकि इराक युद्ध के पीछे भी जैक स्ट्रॉ का ही दिमाग था। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ बड़े मतभेदों के बावजूद इससे हमारी संप्रभुता कमजोर होगी। अनिल एंटनी कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई के डिजिटल संचार प्रमुख का पद संभाल चुके हैं। अनिल एंटनी ने आगे लिखा, प्रेम का प्रचार करने वाले फेसबुक पर मेरे खिलाफ नफरत अपशब्द का इस्तेमाल करते थे, इसे ही पाखंड कहते हैं, जीवन ऐसा ही है। अपने इस्तीफे में अनिल एंटनी ने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ मुझे लगता है कि इसके बाद यही कांग्रेस में सभी जिम्मेदारियां केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिजिटल मीडिया और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन सेल छोड़ने का समय है। इसी के साथ अनिल एंटनी ने एक ट्वीट भी किया था और कहा था कि मुझ पर एक ट्वीट को डिलीट करने के लिए असहिष्णुता के साथ दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा वो लोग कर रहे थे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़े होने की बात करते हैं। मैंने ट्वीट डिलीट करने से मना कर दिया और अनिल ने इस्तीफे का पत्र भी ट्वीट किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।